पूरे भारतवर्ष में दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। दिवाली के पहले कुछ पौधे लगाना काफ़ी शुभ माना गया है। आइए उज्जैन के पंडित से जानते हैं कौन से पौधे दिवाली के पहले लगाना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग दीपावली का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। अपने घरों में अलग अलग तरह से सजाने का प्रयास करते हैं। कोई झाली लगा रहा है, कोई पौधे लगा रहा है। उसी प्रकार शास्त्रों के अनुसार पौधों का भी कहा गया है कि घर में प्रत्येक घर में देखा जाता है, सभी व्यक्ति अपने अपने घर में पौधे रखते हैं। उसी प्रकार दीपावली से पूर्व हम घर की सफाई करते हैं और कुछ नए पौधे लाते हैं, नई नई वस्तुएँ लाते हैं घर को सजाने के लिए। तो उसी प्रकार घर में कुछ पौधे शास्त्र के अनुसार भी लाना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी संतुष्ट रहती हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव घर में बनी रहे। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि कौन कौन से पौधे घर में अवश्य लगाना चाहिए। दीपावली आने से पूर्व माता देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में 5 पौधों का मुख्य वर्णन कहा गया है, जिसमें से प्रथम आता है कि मनी प्लांट का जो पौधा का हम कहते हैं, वो मनी प्लांट का पौधे में देवी लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए यह मनी प्लांट का पौधा हमें घर में लगाना चाहिए। इससे सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है और धन धान की प्राप्ति होती रहती है। दूसरा पौधा कासूला का पौधा कहा गया है, जिसे जेट प्लांट भी कहते हैं। यह घर में अगर दक्षिण दिशा में लगावे तो देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इस पौधे में देवी लक्ष्मी का साक्षात वास कहा गया है और इस पौधे को घर में लगाने से धन घर की ओर आकर्षित होता है और हमारे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। घर में सफ़ेद पलाश का पौधा, इसे लक्ष्मणा का भी पौधा कहा जाता है, यह घर में लगाते हैं तो घर में धन की वर्षा होती है के योग बनते हैं और परिवार के में अगर कोई रोग हो तो रोग भी दूर होते हैं और सेहत में सुधार होता है। यह पौधा घर में बड़े गमले में लगाना चाहिए। उसके पश्चात आता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट घर में आसानी से, इंडोर प्लांट भी कहा गया है, घर के अंदर ये आसानी से उग जाता है और इसे घर के मुख्य द्वार में लगाएं तो बड़ा अच्छा होता है। इस पौधे से सुख और समृद्धि बढ़ती रहती है। इस प्लांट को घर में लगाने से सुख शांति की वृद्धि होती है। और तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर को मंदिर के समान माना जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित तुलसी की जाती है। ऐसे ही भगवान लक्ष्मी और विष्णु का बड़ा ही महत्व कहा गया है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वो मंदिर के समान माना जाता है और अनेक रोगों का नाश करती हैं और उसमें कभी यम प्रवेश नहीं करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार इन पौधों का कहा गया है। इन पौधों को घर में लगाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और देवी लक्ष्मी घर में निवास करती हैं।